नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत करछि मु स्मृति लग्ना। प्रथमे देखिबा कोन रहिछ आज रो हेडलाइन्स। द्रुत गतिरे ट्रक को फेरुछि देशर अर्थनीति। दुई दिन रे भारतर अर्थनीति पई आसिला दुईटी खुशी खबर। गतकाली जीडीपी रे रेकर्ड अभिवृद्धि परे अगस्त रे रेकर्ड जीएसटी संग्रह। अगस्त रे जीएसटी संग्रह 1,12,020 कोटी। स्वामी प्रभुपाद जींकर 125तम जयंती। 125 टंकिया स्वतंत्र स्मारकी कॉइन जारी कले प्रधानमंत्री मोदी। कहिले स्वामी प्रभुपाद जी जणे अलौकिक कृष्ण भक्त सह देशभक्त थिले। देशर स्वाधीनता रे स्वामी जी ग्रहण करथिले गुरुत्वपूर्ण भूमिका। स्कूल खोलिबा नै केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का समीक्षा। केंद्र शिक्षा विभाग वरिष्ठ अधिकारी सह कले आलोचना। सेप्टेम्बर सुधा समस्त शिक्षक व कर्मचारी को टीका देवा को गुरुत्व। टीका देवा नै प्रस्तुत रोड मैप उपरे कले समीक्षा। सहज हला टीका नेबा पई स्लॉट बुकिंग। एणिकी गूगल रे सर्च करी बुक करी हेबो स्लॉट। ट्वीट करी सूचना देले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य। तृतीय लहर रे बापा मां को माध्यम रे पिलांको होई पारे संक्रमण। परिवार लोके सचेतन न हेले आक्रांत होई पारंती पिले। सतर्क कराइले विशेषज्ञ। संपूर्ण खबर को आसीबा फिट इंडिया क्विज रो शुभारंभ कार्यक्रम। देशर सबुठु बड़ क्विज कार्यक्रम शुभारंभ करिबे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जहाँ नहीं कि विभिन्न महल रे उत्साह मध्य रही फिट इंडिया क्विज रो शुभारंभ कार्यक्रम। अनंत है, कई लोगों ने अपने जीवन की अंतिम क्षण तक पीट रहा, इसलिए ज्यादा समय टिके। इसलिए भारत सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, एक आर्किटेक्ट खड़ा कर रही है, जिसमें खेल फिटनेस ना केवल एक एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट होने वाला है, ये एक प्रमुख सब्जेक्ट हमारी पढ़ाई में, हमारी रोजगार में, हमारी मान सम्मान में भी बने। इसके लिए सारा व्यवस्था भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर करने वाले हैं, कर दिए हैं। इसलिए आज इस क्विज कंपटीशन उस दिशा में एक छोटी सी कदम है। आइए मैं पूरी स्कूल की ओर से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार की नीति, राज्य सरकारों की नीति, दोनों मिलके हम ये 10 लाख स्कूल तक इसकी रजिस्ट्रेशन करें इस सितंबर महीने में। इस सितंबर महीने में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, फिट इंडिया क्विज को बड़ा बनाए और एक माहौल बनाए देश में खुद को ठीक रखने के लिए, समाज को ठीक रखने के लिए। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिर्फ एक साहित्य नहीं है, वो एक स्पिरिट है। समाज में पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें फिट रहना पड़ेगा। मैं आज इस इनिशिएटिव को, आज इस प्रोग्राम को शुभेच्छा देता हूं और एजुकेशन मिनिस्ट्री से पूरा कोऑपरेशन का जिम्मेवारी भी लेता हूं। और आने वाले दिनों में हम सब मिलके, भारत जब कुछ चीज तय करता है वो ग्लोबल मॉडल बनना है। हमें आप कल्पना करिए 10 लाख स्कूल, ए मिलियन स्कूल, अगर हम हर एक स्कूल में 100 बच्चों को भी ये फिट इंडिया क्विज में पार्टिसिपेट करा दे तो कल्पना करिए पूरा यूरोप भर की जनसंख्या हो जाएगी। ये हम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस बड़ी लक्ष्य को लेके काम करें, फिट इंडिया क्विज को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपको करोड़ों बच्चे जो जुड़ेंगे इसके साथ, जो अभी देख रहे हैं, उन सबकी तरफ से वादा है कि इसमें पार्टिसिपेशन की कोई कमी नहीं होगी। इस कदम को जितना बड़ा हम सब चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं, उससे भी ये बड़ा हो। द फिट इंडिया क्विज इज नाउ लाइव एंड रेडी फॉर पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो, शायद जिनकी उम्र निकल गई जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लेकिन खेल प्रेमी है, वो भी एकदम दिलों की तारों को छू लिया सर। आपने जब कहा कि क्रेडिट मिलेगा, एकेडमिक जैसा ही क्रेडिट मिलेगा अगर आप खेलते भी हैं
और पीवी सिंधु जो हमारे साथ है, एक एमबीए वो कर सकती है, जैसे आपने कहा एक एमबीए कर लिया, मास्टर्स इन बैडमिंटन अचीवमेंट तो उन्होंने कर ही लिया। लेकिन इस क्विज में किससे कहानियां होंगी, अचीवमेंट्स होंगी हमारे खिलाड़ियों की, इतिहास की कितने हमारे नेशनल और रीजनल स्पोर्टिंग हीरोज जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। भारतर अर्थनीति पाई खुशी खबर, कोविड कटकणा कोहल हेबा परे क्रमागत भावरे देशरे वृद्धि पाइबारे लागिछि जीएसटी राजस्व संग्रह। गतकाली जीडीपी वृद्धि संपर्करे सूचना भारतीयों पाई खुशी आनिथिबा बेले एबे रेकर्ड परिमाणर जीएसटी संग्रह से खुशी को करिछि द्विगुणित। गत अगस्त मासरे देशरे संग्रह होइतबा जीएसटी परिमाण 1,12,020 टंका रहिछि। गत वर्ष अगस्त मासरे जेतिकि परिमाणर जीएसटी संग्रह करा जैतिला, चलित अगस्त मासरे ताठारु 30% अधिक जीएसटी संग्रह होइतबार जनापड़िछि। केन्द्र अर्थ मंत्रालय तरफ जारी होइतबा प्रेस रिलीज हिसाब रे संग्रह होइतबा जीएसटी भितरे सीजीएसटी रो परिमाण रहिछि 20,522 कोटि, सेभळी एसजीएसटी रहिछि 26,605 कोटि, सबुठ अधिक रहिछि आईजीएसटी बा इंटरस्टेट जीएसटी जहार परिमाण रही 56,247 कोटि टंका, जोधरे 8,646 कोटि रो सेस मिसिबो एवं तापरे मोट जीएसटी परिमाण टपी जाइछि 1,12,000 कोटि को। गत वर्ष तुलना रे ओडिसा रे मध्य जीएसटी संग्रह 41% बढ़िथिबा सूचना रहिछि। राजस्व वृद्धि दिगरे केन्द्र सरकार को पदक्षेप एभली जीएसटी बढ़ाई बारे सहायक होइ परिछि। सेपटे सोमवार देशर अर्थनीति रे द्रुत गति रे फेरुथबारु संकेत मिलिथिला आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक रे जीडीपी ग्रोथ 20% रु अधिक रेकर्ड करा जैथिला। आर्थिक वर्ष 2022 रो एप्रिल जून त्रैमासिक रे सकल घरे उत्पाद बा जीडीपी रो परिसंख्यान रु ए संकेत मिलि पारिछि। चलित आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक अर्थात एप्रिल जून रे देशर जीडीपी हार बढ़िछि 20.1% होइछि। गत वर्ष समान त्रैमासिक रे जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव 23.9% रहिथिला। 2021-22 रो कथा जदि कहिबा प्रथम त्रैमासिक रे जीडीपी 32.38 लाख कोटि रहिछि, जहां 2020-21 रो प्रथम त्रैमासिक रे 26.95 लाख कोटि थिला। केन्द्र सरकार को सठिक निष्पत्ति यहां संभव करि पारिछि। ए बाबद रे अधिक सूचना पई अर्थनीति विचारद अमरेन्द्र दास आम सहित जोड़ी होती श्रीजुक्त दास नमस्कार, स्वागत करुच्छे आपण को अर्गस न्यूज को। आर्थिक प्रगति क्षेत्र में केन्द्र सरकार का आंतरिकता एक प्रतिफलन आनी आम कहीपर जीएसटी जो रिकवरी देखा जे लगातार भाव निश्चित भाव गोटे भल इंडिकेटर बोले कहीपर कारण अर्थनीति जेहेतु मानने तलू चलता आख्य कथा भल खुशी खबर आज गत काली आम खबर पाई जे आम अर्थनीति 20% रु अधिक प्रथम क्वार्टर वृद्धि पाई सहित जीएसटी कलेक्शन जब वृद्धि पाने देखे जो अर्थनीति जो कारबार से प्रायत धीरे धीरे नर्माल हाब को आसपर आपूर्व अवश्य गोटे मस देखी जद कमी जाता जून मसरे तार कारण था लॉकडाउन जो कमी आपर आम देखुचे मुझे जो एनालिसिस कर जीएसटी रो कलेक्शन तो सब भल खबर थी कौन जे वर्ष जो प्रथम मसरे मान एप्रिल मसरे आउे मे मसरे तो सब अधिक रेवेन्यू कलेक्शन होता कंटिन्यूसली चली तो आउ थे आम देखिले जुलाई मसरे अगस्त मसरे मध्ये लक्षे कोटी टंका थरु मध्ये अधिक लॉकडाउन समय कस्टमर मानकर डिमांड आसीबो कि न आसीबो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुजुक्त अमरेन्द्र दास, अधिक आलोचना करूथिले आम सहित अर्थनीति विशारद। दुई दिन रे भारत रो अर्थनीति पई दुईटी बड़ खबर आसीछि बोली कहि परबा। गतकाली जीडीपी रो रेकर्ड अभिवृद्धि एक खुशी आनी देथिला। अगस्त रे जीएसटी संग्रह 1,12,020 कोटि ये मध्य कहुछि जे ट्रैक को फेरुछि देशर अर्थनीति एवं समस्तक भितरे ये एक
खुशी आनी विशेष भाव बिजनेसमैन को पाई एक बुस्टिंग न्यूज बोली कहा जाय पारे। इस्कन माध्यमरे देश विदेश रे वेद वेदांत को पहुंचाईथिबा श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जींकर 125तम जयंती अवसर रे 125 टंका स्वतंत्र स्मारकी कॉइन जारी करिसेंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यमरे एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला, शामिल होइथिले प्रधानमंत्री। ए अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले स्वामी प्रभुपाद जी जने अलौकिक कृष्ण भक्त, ता सहित जने देशभक्त मध्य रहिथिले। देशर स्वाधीनता रे स्वामी जींकर भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण थिला। स्वामी जी निज गुरुजी को आदेश को मिशन करिथिले, आमर लक्ष्य मूल रे वैश्विक कल्याणर भावना रहिछि, मानव जातिर हित पाई भारत दुनिया को अनेक किछि देछि, योग एवं आयुर्वेदर लाभ सारा दुनिया को मिल पारिछि। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इस आदेश को अपना मिशन बना दिया और उनकी तपस्या का परिणाम आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है। अमृत महोत्सव में भारत ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ ऐसे ही संकल्पों को अपनी आगे की यात्रा का आधार बनाया है। हमारे इन संकल्पों के केंद्र में, हमारे इन लक्ष्यों के मूल में भी वैश्विक कल्याण की ही भावना है और आप सभी इसके साक्षी हैं कि इन संकल्पों की पूर्ति के लिए सबका प्रयास कितना आवश्यक है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर प्रभुपाद जी ने अकेले विश्व को इतना कुछ दिया है तो जब हम सब उनके आशीर्वाद से एक साथ प्रयास करेंगे तो कैसे परिणाम आएंगे। हम जरूर मानवीय चेतना के उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां से हम विश्व में और बड़ी भूमिका निभा सके, प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके। साथियों, मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान। सारा देश में स्कूल खोलिबा नहीं केंद्र शिक्षा मंत्री का समीक्षा। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सारा देश में विद्यालय खोलिबा नहीं समीक्षा करिसेंती। केंद्र शिक्षा विभाग वरिष्ठ अधिकारी सह एने आलोचना मध्य करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सेप्टेम्बर सुधा समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी को टीका देवा नहीं गुरुत्व दिया जाएगी। टीका देवा नहीं प्रस्तुत रोड मैप उपर मध्य समीक्षा करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। स्कूल खोलिबा नहीं केंद्र शिक्षा मंत्री समीक्षा। ए प्रश्न विभिन्न महल उठिथिला जे स्कूल केबे खोलिब, स्कूल खोली पारे संभावना मध्य सृष्टि होइछि जेहेतु वर्तमान नियंत्रण रे रहिछि कोरोना, ता सहित आपण जानिछंती जे सेप्टेम्बर 5 पूर्व सब शिक्षक मानको टीका देबा पई केंद्र सरकार गुरुत्व दैछंती। विभिन्न जगह रे राज्य सरकार को मध्य एथिपई प्रस्तुति तुरंत करबा पई कहिथिले एवं विभिन्न जगह रे प्रयास मध्य चालिछि। ता भितरे तृतीय लहर आसी पारे अक्टोबर रे हा पिक नै पारे, ए संभावना भितरे ए भय भितरे मध्य वर्तमान समीक्षा चली, आलोचना चली, विभिन्न अधिकारी सहित केंद्र शिक्षा मंत्री समीक्षा करिसेंती जे स्कूल खोलिबा नै कौन कौन दिगो निया जाय पारे, कौन कौन पदक्षेप निया जाय पारे, ए सब उपरे आलोचना करा दैछि। कोरोना महामारी भितरे टीकाकरण आगे चलछि, सेपटे टीकाकरण पई स्लॉट बुकिंग को अधिक सरल करुछन्ते सरकार, एणिके गूगल जरिया रे करि हेबो स्लॉट बुकिंग। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाव्य ट्वीट करि ए सूचना दैछन्ती एवं ए हिसाब रे गूगल रे कोविड वैक्सीन नियमर सर्च करिबारे स्लॉट रो उपलब्धता जांच करबा परे बुकिंग पई बुक अपॉइंटमेंट रो व्यवहार करबा पई पड़िबो, जहां परे टीका नेबा पई स्लॉट बुक होइ जइबो। एबे
देशरे जेते ऑटोमोबाइल कंपनी विभिन्न जानवाहन उत्पादन करुछंती सेमाने एणकी जैव इंधन रे चलतबा इंजन प्रस्तुत करिवे। आगामी 6 मास भितरे याकु बाध्यतामूलक करबाकु जाउछंती केंद्र सरकार। निकटरे बाबदरे सूचना देछंती केंद्र सड़क परिवहन व राजपथ मंत्री नितिन गडकरी। केंद्र मंत्री कहिछंती एभली पदक्षेप द्वारा पेट्रोल डीजल रो महंगा मडरु लोकंकु रक्षा मिलि परिबो, कारण एबे 1 लीटर बायो इथेनॉल रो मूल्य 65 टंका थिबा बळे पेट्रोल डीजल लागि लोकंकु 100 टंका ऊर्ध्व खर्च करबाकु पडुछि। पेट्रोल डीजल परिवेश प्रदूषण करथबा बळे विकल्प इंधन बा जैव इंधन कम प्रदूषण करुछि, ता सहित विदेशी मुद्रा मध्य संचय करुछि, कारण विदेश रु आमदानी करबाकु पडुछि पेट्रोलियम उत्पाद। ए सबु को दृष्टि रे रखि आगामी 6 मास भितरे केंद्र सरकार एक नीति नियम प्रणयन करबा पय जाउछन्ति। यहा पूर्वरु पब्लिक सेक्टर तैल मार्केटिंग कंपनी गुड़ी को निज निजर रिटेल अडेट लेट्रे जैव इंधन विक्रय पर निर्देश दे सारी सरकार। कतार दोहारे भारत तालिबान भितरे प्रथम बैठक होई। कतारे भारतीय राष्ट्रदूत दीपक मित्तल तालिबान राजनैतिक मुख्य मोहम्मद अब्बास स्थाने कजाई सहित बैठक करिछंती। ए बैठक रे अफगानिस्तान में थिबा भारतीय नागरिकों सुरक्षा एवं शीघ्र प्रत्यावर्तन संक्रांत में आलोचना करा जाइछि। तालिबान पक्षर होइतबा एक अनुरोध रक्षा करी दोहा स्थित भारतीय दूतावास रे बैठक करा जाइतिला। विदेश व्यापार मंत्रालय पक्षर यह कहा जाइछि उभय भारत एवं तालिबान भितर यह प्रथम कूटनैतिक बैठक। And of course, the other Afghans who have been our partners and friends and their safety and security. So these are important messages we have to convey, and I think that was done. It was also perhaps conveyed, and I think it was issued in the press release, that we want an assurance from Taliban or the future government of Afghanistan that its territory will not be used for anti-India activities. While, of course, there is no physical threat as such, but the fact that it's a territory which is ungovernable or ungoverned is used by other groups which are focused on India, that also should not happen. We had ensured this for the last 20 years, and we expect that this will happen again. So basically, the message is that India and Pakistan issue, Taliban needs to stay away. अति कमरे 6 मिलियन बा 60 लक्ष अफगान नागरिक होइछंती बा सहरा। अमेरिका फेरिजिबा परे बे संपूर्ण भाबरे तालिबान कब्जा को आसीछ अफगानिस्तान। यहा भितरे अनेक नुआ नुआ खबर आसुची सामना को। सूचना हिसाब रे 2001 रु 2021 पर्यंत दीर्घ 20 वर्ष अमेरिका अफगानिस्तान रे निजर सैन्य रखितबा बेले तालिबान सहित जो संघर्ष घटीथिला से प्रक्रिया रे अनेक धन जीवन हानि होईछि। ता सहित बासहरा होइछंती अति कमरे 60 लक्ष रु ऊर्ध नागरिक। जातिसंघ रिपोर्ट हिसाब रे बासहराई विस्थापित होइतबा लोक संख्या विश्वरे अफगान रही तृतीय स्थान रे। अमेरिकीय सैन्य अफगानिस्तान रो सरकारी सैन्य तालिबान जहादी को सह युद्ध करबा जुगु अनेक को विस्थापित होई घर द्वार हरेबा पाई पड़ी। सेमान को भितर अधिकांश विभिन्न पड़ोसी देश सहित विश्वर अन्य देश रे शरणार्थी भाव रे आश्रय नेछंती। एबे तालिबान शासन समय रे सेमाने विशेष महिला माने असुरक्षित थिबारु निज देश को फेरिबार संभावना सेमान को पाई बंद होई जाइछि बोली मने करा जाय। अपरिचित वृद्धांको परिवार लोके मेडिकल छाड़ी चली गला परे महिलांको सहारा देले डाक्टर देवदूत होई साहाज्यर हात बढ़ाई। तापरे मला परे पुओ होई शेष कृत्य मध्य संपन्न करिसेंती। बुर्ला मेडिकल रो डाक्टर रामचंदानीकर ए महन्यता पुणी थरे ताकु चर्चार परिसर को आनिछि। असहाय वृद्धांक शेष कृत्य पुओ भलिया संपन्न करी निजर महानतार परिचय देइछंती डाक्टर जनक। मेडिकल रे छाड़ी चली गले परिवार लोक सहारा देले डाक्टर। 4 वर्ष धरी वृद्धांक दायित्व नेले मला परे पुओ होइतले मुखाग्नि। सोनपुर जिला जलेपिरा गांव पुष्पांजलि बाग 62 वर्षीय पुष्पांजलि पक्षाघात रोग रे आक्रांत थिले। 2018 मसीहा जुलाई मासरे तांको परिवार लोक तांको बुर्ला मेडिकल रे छाड़ी चली जाइथिले।
परे देवदूत होई पहुंचिले डॉक्टर रामचंदानी। मेडिकल कर्तृपक्ष को जणाई पुष्पांजलि को देखारेखा करबा पई व्यवस्था कराइले। खाली सेतिकि नुहे, महिलांक मेडिसिन लुगापटा सह अत्यावश्यक सामग्रीर व्यवस्था कराइथिले डॉक्टर रामचंदानी। शेषे चिकित्साधीन अवस्था पुष्पांजलि मृत्यु होता। एने वृद्धां परिवार को सूचना दिया जाइथिले भी केही शब नेबा को आसी नथिले। शेषे पुष्पांजलि पुओ साजिले डॉक्टर रामचंदानी एवं स्मशान घाट को नहीं पुष्पांजलि को मुखाग्नि देइछन्ते। ଆମର ସେବିକା ମାନେ ଆମର ପିଜି ଛାତ୍ରମାନେ ତଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ 3.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆଉ ଡାକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠୁ ବଢ଼ିକରି ଗୋଟେ ମା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିଲା। ମଝି ମଝିରେ ସେ ଆମକୁ ଅଲି କରୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତା ପରିବାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ମୋ ପୁତ୍ର ହୋଇ ତାର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲି। ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ତା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛନ୍ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସବୁ ଗରିବ ଦେଖିକି ଦେଖୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ସବୁଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଯାଉଛନ୍, କେବେ କାହାରୁ ପଇସା ନେଇ ନେବା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରିତି ଇଲାଜ କରୁଛନ୍, ସବୁ ଭଲ କରିବେ କରୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ସେବା କରିଆସୁଥିବା ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାରୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦାରୀ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ମହାନୀୟତାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମଣିଷ କିଛି କରୁନି, ସେଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏଭଳି ସେବା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧି ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍‌କୁ ଏଠୁ ଥିବା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।